हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। ये आपका 5 सेकंड के अंदर बहुत ही बढ़िया डाइनिंग टेबल बन जाता है। जबरदस्त फर्नीचर तो सारे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग स्पेस सेविंग फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल लो बजट के अंदर। ये कन्वर्टेबल सोफा कम मिलता है, जिसके घर में कम स्पेस रहता है इसको आप इस पर ला के रॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, उस पर भी हम कुछ सामान रख सकते हैं। अच्छा, ये भी उठ भी जाती है। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, प्लाय प्लाय बोला था, पूरा प्लाय ही लगा रहे हैं। इनके कोर्स देख सकते हैं, पत्ते देख सकते हैं। ये हैंगर रॉड मैकेनिज्म है, जिसका हाइट छोटा रहता है। अच्छा, ये उसको ऊपर नीचे पुल डाउन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है। जैसे आपको पता ही चल गया, आज हम लाए हैं स्पेस सेविंग फर्नीचर, वो भी बहुत ही कम दाम में। मतलब अब आप अपने छोटे रूम में भी बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल और भी बहुत सा फर्नीचर एक साथ लगा पाएंगे, वो भी लो बजट में। स्टोर का नाम है फर्नेबल, जो कि लोकेट करता है नोएडा सेक्टर 8 में। और ये स्टोर इतना सस्ता और इतनी अच्छी क्वालिटी का स्पेस सेविंग फर्नीचर इसलिए दे देता है क्योंकि सर की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नया एंड इंटरेस्टिंग लाए। तो हमारे साथ है अभी फर्नेबल के ओनर मिस्टर हर्षद। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, बहुत बढ़िया। तो सर कुछ बताइए अपने और अपने स्टोर के बारे में। मेरा नाम हर्षद है, हर्षद बिंदल, और हमारी कंपनी का नाम फर्नेबल है, ठीक है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये आप कुछ आपको वाइट वाइट सा लग रहा है, ये हमारा वॉल माउंटेड बेड है। अच्छा, फर्नीचर तो सारे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग स्पेस सेविंग फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल लो बजट के अंदर, ठीक है, जिससे सबकी किसी की जेब पर भारी भी ना पड़े और इकोनॉमिकल रहे, ठीक है। तो आपने बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ करा, लो बजट, क्योंकि मैंने स्पेस सेविंग फर्नीचर पर पहले भी वीडियो एक बना रखी है। तो उस वीडियो में क्या था कि जिस स्टोर की मैंने वीडियो दिखाई थी वो काफ़ी जाना माना नाम है, ठीक है। अच्छा, पर उसमें एक दिक्कत थी, आपने बताया लो बजट, पर जो उन्होंने दिखाए थे ना, काफ़ी प्राइस काफ़ी हाई थे। वॉल बेड का उनका प्राइस 1 लाख का था, 1,25,000 का था। अच्छा, हाँ जी। तो उसी के चक्कर में लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट दिए मेरी वीडियो पर। अच्छा, कि इतने पैसों में तो एक कमरा बन जाएगा, इतने पैसों में तो मैं 10 आइटम खरीद लूंगा, ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, इतने में पूरा एक कमरे का सेटअप भी हो जाता है। हाँ, शायद हो सकता है कि आप लो बजट, आपने बताया कि आप रखते हैं तो शायद आप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर निकाला, आपका एड्रेस ढूंढा और आपसे बात करी। अच्छा, कि सर एक वीडियो बनानी है, बना सकते हैं? और थैंक यू सो मच, आपने हाँ बोला कि बनाइए प्लीज। वेलकम जी। तो फिर आज वीडियो की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं सबसे पहले? वीडियो की शुरुआत में मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपना वॉल माउंटेड बेड, अच्छा, जो कि 6x5 फीट का है। इसके लेफ्ट में आप देख सकते हैं हमने एक ओपन कैबिनेट दी है, जिसके ऊपर हम इसको कवर भी कर सकते हैं। मतलब इसके साइड में अगर आप वार्डरोब्स बनाना चाहें, ठीक है, तो हम वार्डरोब्स बना सकते हैं। बेड के ऊपर की अगर हम बात करें, इसके ऊपर जैसे लोगों का हाइट रहता है अप्रॉक्स 9 फीट या 10 फीट तक हाइट, तो ऊपर हम लॉफ्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो ये सेटअप है, ये सोफा वॉल बेड कहलाता है। ये आपका वॉल बेड है पीछे और ये आपका आगे सोफा है, ठीक है। सोफे के अंदर भी हमको स्टोरेज मिलता है, ठीक है। उससे पहले जो ये कॉफी टेबल रखी हुई है आगे, जी, ये भी स्पेस ये है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी, बहुत ही अमेजिंग टेबल है हमारा। ये आपका 5 सेकंड के अंदर बहुत ही बढ़िया डाइनिंग टेबल बन जाता है। जबरदस्त चीज है सर ये। और प्लस इसके अंदर आपको जो कलर ऑप्शन सारे मिल जाएंगे, लैमिनेट ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ जी। नीचे की बात करें तो नीचे, इसके नीचे आपको पूरा स्टोरेज मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्रॉकरी यूनिट, क्रॉकरी का सामान या बुक्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह सब कुछ स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। अभी जो ये ओपन होने के बाद इसका क्या साइज रहता है? ओपन होने के बाद इसका जो भी साइज है, 5x2.5 फीट है। इस साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। साइज को एज पर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज हम कर सकते हैं जी, स्पेस होगा उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं उसी हिसाब से। और बंद होने के बाद, बंद होने के बाद ये आपका 2.5x2.5 फीट का बन जाता है। 2.5x2.5, मैं आपको इसको बंद भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म है, इसको छोड़ दीजिए, बहुत ही बढ़िया। तो बंद होने का 2.5x2.5 है हमारा जी, ठीक है। अगर थोड़ा इसे 3x3 करना चाहे, 4x4 वो भी हो जाएगा, 3x3 बन जाएगा। रेक्टेंगल बनाना चाहे, रेक्टेंगल बन जाएगा, भी होता है, वो हो जाता है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्राइस की बात बात करेंगे, पहले ये हमारा सोफा भी दिखाते हैं प्लस वॉल बेड भी दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा सोफा है, इसके नीचे अगर आप देखें तो हम पूरा इसके नीचे स्टोरेज देते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर आप बेडशीट्स, कुशंस, पिलोज, बच्चों के टॉयज सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रात को बेड बनाना है तो ये कुशन इसके अंदर डाले। ये आपका बंद हो गया और मैं आपको अपना बेड दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो मैट्रेस है वो 6x5 फीट का है, ठीक है।
थ्री इयर्स का वारंटी रहता है इसके अंदर। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो 3 साल का वारंटी रहता है इस पर। 3 साल का वारंटी रहता है। जो मैट्रेस साइज आपने, ड्यूरेबल है ये, ड्यूरेबल है। तो इसमें क्या हमारा मटेरियल क्या लगा होता है? मटेरियल ये हमारा प्लाईवुड है सारा, पूरा प्लाई है, पूरा प्लाईवुड है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में आजकल बहुत लोग प्लाई कटिंग बोर्ड बेच रहे हैं कॉस्ट कटिंग करने के लिए, वो सस्ता नहीं, पड़ता है? ऐसा कोई शौक नहीं है, आप हमारा फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं, प्लस आके प्रोडक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी फैक्ट्री आपके साथ में ही है, मैंने देखी अभी, फैक्ट्री साथ में ही है, दिखाया गया अभी। उससे पहले इसकी बात करते हैं, बंद होने के बाद इसका जो बाहर से बाहर विद कैबिनेट क्या साइज है इसका? बाहर से बाहर इसका विड्थ आएगा 5.5 फिट, 5.5 कैबिनेट तक, पूरा कैबिनेट, कैबिनेट तक हमारा 1 फिट का कैबिनेट है, तो 6.5 फिट हो गया। अच्छा अच्छा, 5.5 हमारा बेड हो गया और 1 फिट का हमारा ये हो गया कैबिनेट हो गया, और मैट्रेस हो गया हमारा 5x6 का, मैट्रेस 5x6 का, 6 फिट लेंथ है, हाँ जी, 5 फिट ब्रेथ है। ठीक है, तो ये भी कुछ छोटा बड़ा हो सकता है कस्टमाइजेशन? ये भी पूरा कस्टमाइज कर देंगे, आपको सिंगल बेड चाहिए, डबल बेड चाहिए, 6x6 चाहिए, तो सब कुछ कस्टमाइज कर देंगे। इसका कलर ऑप्शन आपको चाहिए, कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो भी जैसी रूम की थीम होगी उस हिसाब से, हाँ, जैसा कस्टमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्राइस की बात आती है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको शुरू में कि जो मैंने बेड दिखाया था वो 1 लाख का था, 1,25,000 का था, बिल्कुल जी। तो ये बेड कितने का? तो अगर इसकी प्राइस की बात करें, सिर्फ वॉल बेड का प्राइस हमारे 35,000 रुपए का, 35,000, 35,000 जी, वो सीधा सीधा 90,000 कम जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, तो एक बार बंद करके दिखाएगा इसको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसको बंद भी करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है ठीक, और ये इसका लीवर खींचा बंद, अब कोई कह ही नहीं सकता कि ये बेड है हमारा। ठीक है, अब आपने मटेरियल बताया पूरा प्लाईवुड में, पूरा प्लाईवुड है, और इसका मैकेनिज्म? मैकेनिज्म भी हमारा ब्रांडेड मैकेनिज्म है, 3 इयर्स का वारंटी है इस पर। अच्छा, 3 इयर्स का, ये मतलब इंडियन मैकेनिज्म है हमारा, और इसकी 3 इयर्स वारंटी बताते हैं आप? जी, 3 इयर्स का वारंटी है इसका। ठीक है, तो इसके अलावा भी कोई मैकेनिज्म यूज करते हैं आप? इसके अलावा हमारे पास इम्पोर्टेड मैकेनिज्म भी है। अच्छा, इम्पोर्टेड है जी। अरे मैं आपको, ये गिर गया आप मेरा। ये हमने अभी टेम्परेरी रखा था वीडियो बनाने के लिए सोफा के आगे, देखा अभी, क्यों मैं आया, मैंने देखा कि अभी अभी मेरे सामने ऐसी टेम्परेरी सेटअप है, ये टेम्परेरी रखा था, वरना ये पूरा स्क्रूड अप हो जाते। अच्छा, तो ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा स्क्रू से कसा जाएगा जी, ये पूरा आपका स्क्रू से कसा जाएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ अंदर से भी उधर से भी। ठीक है, आप क्या दिखा रहे हैं? अब मैं आपको अपना ये टेबल दिखाता हूँ। सेंटर टेबल जी, जो कि लिफ्ट टेबल है, आप बैठ कर इस पर काम भी कर सकते हैं, और जब गेस्ट आए तो इसको ऊपर लिफ्ट कर लीजिए। बढ़िया, लिफ्ट अप टेबल, आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और अंदर आपको स्टोरेज भी मिलता है। ठीक है, स्टोरेज में सामान तो बहुत जबरदस्त रखा हुआ आपने इसमें, बहुत सारा अच्छे से पूरा अपने फैक्ट्री का सारा सामान रख दिया आपने, सारा फैक्ट्री का सारा सामान इसके अंदर भरा हुआ है हमने। अच्छा, स्टोरेज पर्पस के लिए बेस्ट है, इसके अंदर आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं सारा का सारा, जो भी ऑफिस रिलेटेड वर्क है या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का वर्क है, वो सब हम इसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, तो इसमें हमारा इंडियन मैकेनिज्म है या हमारा? ये इंडियन मैकेनिज्म है जी, सारा ये भी इंडियन, सारा इंडियन मैकेनिज्म है, यही बनता है। तो अभी इसका साइज क्या, 4x2 या 4x1? 4x2 है, 4x2, इसको हम बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा ही बना सकते हैं, स्क्वायर एज पर रिक्वायरमेंट, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको सारे। इसका प्राइस क्या होता है? इसका प्राइस आपको पड़ेगा 11,000 जी, 11,000 में टेबल मिल जाएगी लिफ्ट अप, प्लस ये टेबल हमारा अमेज़न पर भी अवेलेबल है। ठीक है, आप क्या दिखा रहे हैं? अब हम आपको ये वाला बेड दिखाते हैं, जो कि इम्पोर्टेड मैकेनिज्म में वॉल माउंटेड बेड कहलाता है ये। ठीक, बेड से पहले, बेड लास्ट में दिखाएगा, उससे पहले ये वार्डरोब दिखाते हैं जी, आइए। ठीक, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर अभी तक कभी वार्डरोब नहीं दिखाई, इसीलिए वार्डरोब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब है। ठीक है जी, इसकी खास बात है इसके अंदर ये वाला मैकेनिज्म। ओके, ये हमारा हैंगर है? ये हैंगर रॉड मैकेनिज्म है, जिसका हाइट छोटा रहता है। अच्छा, ये उसको ऊपर नीचे पुल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से कपड़े ऊपर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और जो बेसिक एक ड्रॉर उसके यहाँ स्ट्रक्चर रहता है आपका। अच्छा, ये आपका जो है ये सब रहता है, और ये सारा सॉफ्ट क्लोज है, ये आप देखिए, ये सब धीरे धीरे सॉफ्ट क्लोज। ठीक है, इसके अंदर भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, लैमिनेट के, लैमिनेट के अंदर जो फैब्रिक माइका जो मैंने, अंदर वाला भी बाहर वाला, बाहर तो मिलता ही मिलता है जी, अंदर भी मिल जाएगा, अंदर भी मिल जाएगा। अंदर का स्ट्रक्चर भी हम आपके हिसाब से कस्टमाइज कर देंगे। अच्छा, जैसे कस्टमर को डिजाइन देते हैं कि मेरे को अंदर से हिसाब से चाहिए, वैसा हो जाएगा जी। ठीक है, और साइड में रिक्वायरमेंट समझ के हम उसको कर देते हैं। साइड में अगर आप देखेंगे तो ये साइड में हमारा वार्डरोब है, ये भी है, ये छोटा सिंगल डोर वार्डरोब है। ठीक है ठीक है, डबल डोर चाहिए, डबल डोर बड़ा छोटा साइज सब हो जाएगा। वो स्लाइडिंग हो गया था, और ये हमारा ये पुल टू ओपन है, ये पुल टू ओपन है, ये स्विंग डोर कहलाता है। ठीक है,
ठीक है, लॉक वगैरह इसके अंदर सब कुछ लगा सकते, सब कुछ लगता है। तो इसमें भी वही सेम प्लाई आप, अच्छा पहले ये बताइए आपके जितना भी अभी फर्नीचर है जो आप देते हैं उसमें मतलब सारा सब में ही प्लाई लगाते हैं? सब में, जनरली सब में प्लाई लगाते हैं, बाकी आजकल HDHMR भी चल रहा है जो कि वाटर टर्माइट प्रूफ है, तो वो भी लगाते हो? वो भी लगाते हैं, वो आपका वार्डरोब और किचन में लगता है, सिर्फ वार्डरोब और किचन में, और वॉल बेड के अंदर नहीं लगता, वॉल बेड के अंदर आपका प्लाईवुड रहेगा, पूरा प्लाईवुड रहता है। ठीक है, तो इसका जो अलमीरा का वार्डरोब का प्राइस किस हिसाब से रहता है? वार्डरोब का प्राइस अलग अलग डिपेंड करता है कि आपको स्लाइडिंग में चाहिए या स्विंग डोर्स के अंदर चाहिए, मटेरियल कौन सा चाहिए, प्लाई में चाहिए, HDHMR में चाहिए, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर जनरली बात करें तो हमारा स्टार्टिंग है तो 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आप ये वार्डरोब दे देंगे? जी। तो जो स्टार्टिंग में बताया 1000 रुपये वाला, उसमें प्लाई लगा होता है, HDMR होता है, उसके अंदर प्लाई रहता है जी, उसके अंदर आपको ये वाला वार्डरोब मिलेगा, स्लाइडिंग नहीं मिलेगा। अच्छा, उसमें ये हमारा ये पुल्ड ओपन मिलेगा, डोर मिलेगा हमें ना? डोर वाला मिलेगा। ठीक है, अगर स्लाइडिंग की बात करें तो ये 1200 रुपये पड़ता है। अच्छा, स्लाइडिंग 1200 रुपये होता है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट क्लोज हमारा जो स्लाइडर होता है, सॉफ्ट क्लोज रहता है ना, हेटिक का फिटिंग रहेगा, हेटिक का रहता है पूरा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप वॉल बेड की बात करते हैं, जो वॉल बेड उतारते हैं, अब आप वॉल बेड पर आते हैं हम आपने, ये हमारा वॉल माउंटेड बेड है, इसका साइज भी सेम है, 6x5 फिट है। ठीक है, इस पर अगर आप देखेंगे तो हमने गोल्डन हैंडल लगा रखा है, बीच में हमने ग्रे और व्हाइट का ये दे रखा है, ये हाई ग्लॉस है हमारा ना माइक, ये सारा हाई ग्लॉस है, बहुत ही अच्छा एसएस वर्क भी दे रहेगा आप, सारा हाई ग्लॉस है, अगर इस किसी को मैट में चाहिए तो हम इसको मैट में भी बना देंगे, मैट में भी जी। ठीक है, कलर ऑप्शन फिनिश ऑप्शन सारे हैं। ठीक है, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, जब हमारा बेड ओपन होता है ना तो पीछे आपको इसके आपको आपका वॉल दिखता है, इसका आपका 3 ईयर्स का वारंटी है। अच्छा, मतलब जो ये पीछे आपने बताया कि वॉल रहेगा, पीछे पैनल नहीं आएगा, कोई लैमिनेट नहीं आएगा जी, बेड ओपन होते ही आपका पीछे आपका आपका वॉल दिखेगा, खाली वॉल दिखेगा जी। अगर हम पैनल की बात करें तो हम पीछे बैक क्विल्टिंग लगा सकते हैं, आप देख रहे हैं साइड में रखी है हमारा। अच्छा, ये पीछे लग जाता है? ये पीछे लग जाता है, मैट्रेस के ऊपर लग जाता है पूरा। ठीक है, अगर कोई जैसे अभी जितना एरिया इसके अंदर है, आपके बेड के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है उसमें पूरा करवाना चाहे तो पूरा बना सकते हैं ऊपर, वो भी होता है, पूरा ऊपर रहता है। इसका प्राइस डिपेंड करता है, वो मैं ऑन कॉल बता दूंगा आपको। ठीक है, जितना भी एरिया होता है उसके हिसाब से प्राइस बड़ा चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा मैकेनिज्म वो लगा हुआ हमारा इंपोर्टेड है ना? जी, इंपोर्टेड मैकेनिज्म, और उस पे इंडियन था जो पहले दिखाया था, उस पर इंडियन था। ठीक है, अब इंडियन का प्राइस आपने 35,000 बताया था जी, तो इंपोर्टेड का क्या रहता है? इसका प्राइस आपको पड़ेगा 65,000, 30,000 महंगा जी, मैकेनिज्म इतना महंगा होता है? 30,000 इसके अंदर अगर आप देखते हैं एक बार तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये अंदर आपका इसका जो पूरा फ्रेमिंग है ये पूरा लोहे का फ्रेमिंग है। अच्छा अच्छा, लोहे का फ्रेमिंग है, उसके ऊपर वुडन स्लैट्स हमने लगा रखे हैं। अच्छा, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अंदर का फ्रेम भी आप देख सकते हैं, ये साइड से आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है ठीक है, तो हमारा जो ये बेड्स होते हैं ये मैट्रेस के वेट से ही रुकते हैं? हाँ जी, दोनों बेड वो वाला नहीं, ये वाला मैट्रेस के वेट के हिसाब से रहता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है यूज करने में। अच्छा अच्छा, इसके अंदर खास बात क्या है, आपका जो लेग है अंदर ही इनबिल्ट रहता है, बहुत इजी है इसको यूसेज का मिलाना। ठीक है, इस फिटिंग की बस यही खास बात जो आपने बताई कि थोड़ा सॉफ्ट रहता है जी, आराम से खुलता है, आराम से बंद होता है, और इसका जो लेग है अंदर ही इनबिल्ट है, इनबिल्ट है, उसमें हाइड्रोलिक लगा हुआ था मैंने देखा था जी, इसके अंदर भी हाइड्रोलिक है, उसके अंदर हमारे दूसरा मैकेनिज्म है, दूसरा लेग्स दूसरा रहता है। तो जो 30,000 रुपये बड़े सिर्फ मैकेनिज्म के ही बड़े, मैकेनिज्म के बड़े। अब बात आती है वारंटी की जी, तो वारंटी क्या देते हैं? वारंटी दोनों पर सेम है, 3 ईयर्स का वारंटी दोनों पर सेम है, 3 ईयर दोनों पर सेम वारंटी है। आपके हिसाब से ये कितना चल जाता है वाला हमारा इंपोर्टेड? ये दोनों बढ़िया चलेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 10 साल तक तो कोई प्रॉब्लम। तो आप किसी को मतलब एक सजेस्ट करना चाहोगे कि कौन सा ले, इंडियन इंपोर्टेड? सजेशन ऐसा कुछ नहीं है, देखो क्लाइंट की नीड के ऊपर रहता है, अगर क्लाइंट को थोड़ा अच्छा मैकेनिज्म चाहिए, थोड़ा लग्जरी लुक में जाना है तो इसकी तरफ जाते हैं। अच्छा अच्छा, अगर आप बजटेड बजट में देख रहे हैं तो फिर हमारे पास ये बेस्ट आपका ये है। इसके अंदर खास बात क्या है, आपको जो लेग है ना वो बाहर की तरफ मिलेगा, ये लेग बाहर है, खोल के दिखाएंगे इसका लीवर जो था एक बार, लीवर कैसे वर्क करता है, ये फर्क है। बंद कैसे होता है एक बार दिखाएंगे? ये बंद करने के लिए ये रहता है, इसको आप ऊपर पुल करेंगे। अच्छा, और ऐसे ही सेम यहाँ पे ऊपर पुल करेंगे तो आराम से बंद, ये आपका इजीली बंद। तो मतलब हर फर्नीचर हमने हाइड्रोलिक्स लगा रखे हैं और अंदर ही उसको बंद करा हुआ, तो हर फर्नीचर पे आपको 3 ईयर्स की वारंटी मिलेगी, 3 ईयर्स पर वारंटी मिलेगी। और जो आपका डिलीवरी होते हैं कि खाली दिल्ली में ही डील करते हैं, दिल्ली एनसीआर में, या ऑल ओवर इंडिया? पैन इंडिया डील करते हैं। अच्छा, पैन इंडिया डील करते हैं जी, हैदराबाद, बैंगलोर, सारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कहीं पर ऐसा कोई तो मतलब पर्टिकुलर कोई जगह तो नहीं है ना इंडिया में? ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह नहीं, हर जगह हम लोग डील करते हैं, अपना बेड पहुँचाएंगे,
हमारा कारपेंटर साहब आपके घर आएगा, पूरा फिटिंग वगैरह आपको पूरा रेडी टू यूज देंगे हम सारी चीजें। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कस्टमर पे करता है, और इंस्टॉलेशन चार्जेस? इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कस्टमर पे करते हैं जी। जो आपने प्राइसेस बताया है, खाली ये पूरा बनाने का बताया बस जी? ये सारे जो प्राइसेस मैंने आपको बताए दिल्ली एनसीआर का प्राइसेस है। अच्छा, अगर दिल्ली एनसीआर में ही कोई 35,000 में विद इंस्टॉलेशन है? विद इंस्टॉलेशन उसको इंस्टॉलेशन मिलेगा। उसकी कार्टेज ट्रांसपोर्टेशन? कार्टेज ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा रहता है, वो एक्स्ट्रा रहता है। इंस्टॉलेशन मतलब दिल्ली एनसीआर में फ्री है? दिल्ली एनसीआर में फ्री, मतलब पैन इंडिया, मतलब दिल्ली से बाहर कहीं भी होते हैं, दिल्ली से बाहर जाते ही, दिल्ली एनसीआर से बाहर जाते ही इंस्टॉलेशन का चार्ज लगता है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ठीक है। और अगर गद्दे की बात करें तो गद्दा भी हमारा एक्स्ट्रा रहता है बेड। ठीक है, अभी कोई ऐसा कोई फोटोज या कुछ दिखा सकते हैं जो आपने अभी अपनी साइट पर कहीं काम कराओ? हाँ बिल्कुल, हमारे वेबसाइट पर आप देख सकते हैं furnable.in पर। अच्छा। हमारे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और प्लस हमारा उस पर पूरा पोर्टफोलियो है, और प्लस अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास वीडियोस बहुत सारा है, फोटोग्राफ वीडियोस। बेड की बात करें, ये हमने अभी रिसेंट एक बेड फिट करा था, वॉल माउंटेड बेड है ये। ठीक है जी, तो चलो फोटोज तो आपने दिखा दी, अब एक बार आपकी वर्कशॉप दिखाए, फैक्ट्री दिखाए, आपके जाए सारा तैयार होता है। आइए आइए, मैं आपको अपना फैक्ट्री दिखाता हूँ। ओके, तो ये आपकी फैक्ट्री है जहाँ सारा स्पेस सेविंग फर्नीचर तैयार होता है? ये सारा हमारा फैक्ट्री है। ये एक बेड हमारा है सेम कलर में, मार्बल फिनिश में। ठीक है, इसके ऊपर हम ये लोग ये लॉफ्ट बना रहे हैं, आप देख पाएंगे तो। ये बहुत, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, प्लाई की, जो प्लाई बोला था पूरा प्लाई ही लगा रहे हैं, उनके कोर्स देख सकते हैं, पत्ते देख सकते हैं, सिंगल 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 अलग अलग पूरा प्लाई लगा। ये पूरा प्लाई बोर्ड है। ठीक है, ये सब अभी पेस्टिंग करके रखा हुआ है। ये एक और बेड का फ्रेम है हमारे, अभी ये रेडी हो रहा है सारा, ये सारा प्लाई बोर्ड है। ठीक है, और अगर मशीनरी की बात करें तो जो एज बेंडिंग होता है हमारा, तो वो हम लोग सारा मशीनरी के थ्रू कराते हैं। अच्छा, ये टेप इस पर लगाई जा रही है जो टेपिंग हो रही है? जी जी जी, ये सारा ये एज बेंडिंग मशीनरी है हमारा। ये पूरा एज बेंडिंग प्रोसेस है हमारा। ठीक है, इस पर टेपिंग वगैरह सब कुछ आ जाती है। इसको 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होकर पूरा सील कर देता है बिल्कुल। अभी आज हमारा आपका मतलब हमने टेपिंग प्रोसेस भी दिखा दिया कि मशीन से आपकी सारी टेप्स लगाई जाती है। बाकी जो हमारा फेविकॉल सारा रहता है, वो सारा फेविकॉल रहता है हमारा, जो पेस्टिंग होता है हमारा जी। ठीक है, और अगर लेबर की बात करें तो हमारा आजकल अभी थोड़े दिन लेबर है नहीं, वरना यहाँ सारा दिन करीब हमारे अप्रोक्सीमेट 25 लोग काम करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब हमने आपको अपना वार्डरोब भी दिखा दिया, वॉल बेड भी दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना सोफा कम बेड। आइए, ठीक है, आपको सोफा कम बेड दिखाता हूँ। ठीक है, ये सोफा कम बेड आ गया हमारा, ये सोफा कम बेड है हमारा। ठीक है, ये हमारा कन्वर्टेबल हो गया, ये कन्वर्टेबल सोफा कम बेड है, जिसके घर में कम स्पेस रहता है वो ऑल टुगेदर इसको सोफा कम बेड में कन्वर्ट करता है। बहुत ही बढ़िया, और प्लस इसके अंदर आपको आपका स्टोरेज मिल जाता है पूरा। ठीक है, इसके साइज को भी हम आपके कस्टमर के घर के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा भी कर देते, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये क्या साइज रखा हुआ है? अभी ये हमारा साइज इसका बड़ा है, ये 8 फिट ऐसे है, 7 फिट ऐसे है, 7 फिट ऐसे है जी। तो इसका प्राइस का एक पूरा एरिया के हिसाब से होता है या पर सीट के हिसाब से होता है? इसका प्राइस जनरल में रहता है, जैसे 8 फिट बाई 7 फिट रहता है जनरली। अगर इससे हम छोटा बड़ा करते हैं साइज को भी, तो ज्यादा कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अभी इसका क्या प्राइस है? अभी इसका प्राइस 40,000 है, 40,000 जी। और कोई हमारे चैनल के थ्रू आता है तो? चैनल के थ्रू आता है तो हम कर देंगे डिस्काउंट उसके लिए। चलो हो जाएगा, जो बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा हम लोग कर देंगे। कलर ऑप्शन फैब्रिक के मिल जाएंगे, हमारे कैटलॉग्स लगे हुए हैं, पीछे कैटलॉग्स हैं, सारा हमारा कीर्तिनगर का फैब्रिक रहता है। ठीक है, प्लस मैं आपको इसको अब बंद करके दिखा देता हूँ, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, सीजर मैकेनिज्म है। इजी टू ओपन एंड इजी टू क्लोज। ठीक है, आप क्या दिखा रहे हैं? अब मैं आपको अपने अलग प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जो कि हमारा वर्क फ्रॉम होम के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है जी। ये आप देख से पा रहे हैं, वाइट कलर में है, हाई ग्लॉस में, ये आप लैमिनेट में भी देख सकते हैं। ये टेबल का खास बात ये है, ये दीवार के साथ लगा रहता है, इसको आप इस पर ला के रॉक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ लॉक होने के बाद इसके वर्क फ्रॉम होम के लिए रहता है, इस पर बैठ के हम काम भी कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर उसी हाइट पर आएगा, ये थोड़ा सा हमारा स्पेस ले रहा है बस ये दीवार पर, बस थोड़ा सा 3 इंच का स्पेस रहेगा, उस पर भी हम कुछ सामान रख सकते हैं। अच्छा, ये भी उठ भी जाती है? अरे उठ भी जाती है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अरे उठ के आप खड़े होके भी स्पेस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर।
तो ये भी जैसे रहता है जिसके कमर में दर्द रहता है, वर्क फ्रॉम होम के लिए बेस्ट रहता है। जो थक जाते हैं बैठे बैठे, थक जाते हैं बैठे बैठे, चाहते हैं कि जगह भी कम ले और हमारा वर्क टेबल भी बन जाए, तो ये बेस्ट रहता है। ठीक है, और ये भी वही लीवर की हमारा खींचे रहते हैं क्या? इसमें भी सेम लीवर्स हैं, ये आपका, ये आप देखेंगे ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, ये पूरा अनलॉक हो जाएगा और ये आपका वॉल के साथ टिक जाएगा। तो ये हमारा जो ये टेबल दिखाया वॉल माउंटेड टेबल, ये कितने का रहता है? ये आपका 8,500 रुपये का रहता है, 3x2। ठीक है, 8,500 का रहता है, 3x3, और वही कस्टमाइजेशन बताया, कस्टमाइजेशन सब में अवेलेबल है। ठीक है, तो साथ में एक वो एक और टेबल कुछ लगा हुआ है मेरे ख्याल से, तैयार साथ में अगर इसकी बात करें तो हमारा ये वॉल माउंटेड एक और टेबल है, ये डाइनिंग टेबल है। अच्छा, डाइनिंग, ये अभी रेडी हो रहा है, इस वजह से ये अभी है नहीं डिस्प्ले पर। इसका जो है इसके आगे एक पूरा फ्रंट आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो ये फ्रंट आप पकड़ के इसको से करके खींचेंगे। अच्छा, ऐसे हमारी पूरी तो टेबल, ये उसके ऊपर आपका पूरा टेबल टॉप आ जाएगा। इसके नीचे नीचे भी पूरा आपको लेग रूम दे मिलता है। इसका फोटोग्राफ वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, आपको उस पर उसका वीडियोस फोटोग्राफ सब मिल जाएगा। तो अगर आप इसके अलावा हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें बात कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जो डिस्प्ले में था हमने सब दिखा दिया, फैक्ट्री डिस्प्ले का हमने ज़्यादा सारा दिखा दिया है, फैक्ट्री दिखा दी, मटेरियल दिखा दिया, सब दिखा दिया हमने। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कोई दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आके विजिट कर सकते हैं आपकी फैक्ट्री, डिस्प्ले देख सकते हैं, मटेरियल देख सकते हैं, क्या लग रहा है, फैक्ट्री देख सकते हैं, बनते हुए देख सकते हैं अपने। ठीक है, जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं उनको वीडियो कॉल के थ्रू दिखा सकते हैं, उनको वीडियो कॉल के थ्रू दिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको दिखा दिया, तो लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल आइए, आप बिल्कुल पसंद करेंगे। हमारा 3 ईयर्स का वारंटी है सारी चीज़ों का, मनी बैक गारंटी रहेगा, आपको नहीं पसंद आया तो सारी चीज़ों की। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जो इतना प्यारा स्पेस सेविंग फर्नीचर लो बजट में हमें दिखाने के लिए, धन्यवाद सर। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको न्यू स्टाइल ऑफ फर्नीचर के साथ साथ हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा। धन्यवाद।